आइए दोस्तों, आज आपको सोने की अंगूठी कैसे तोली जाए इसके बारे में जानकारी देते हैं। सबसे पहले 1 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम तक एक और 500 मिलीग्राम से लेकर के 5,000 मिलीग्राम तक जो वेट है, जो सोने का वेट तोल सकता है, ऐसी हमने एक जिसको हम सोने का तोलने वाला माप कह सकते हैं, कंडा कह सकते हैं या तोल मापक कह सकते हैं। इस तोल मापक के ऊपर हमने मान लो जितने वजन ग्राम की, मान लो 10 ग्राम की एक अंगूठी तैयार करनी है, तो सबसे पहले जो गोल्ड 10 ग्राम का एक टुकड़ा, उससे भी कुछ ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, या कम से कम हम 10 ग्राम का बनाते हैं तो 2 ग्राम फालतू होना चाहिए, तभी वो 10 ग्राम का बनेगा। 10 ग्राम की जगह 12 ग्राम पहले इस पे तोलिए, 12 ग्राम इसके ऊपर तोला जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि माप किस प्रकार से किया जाए। छोटी सी मात्रा हमने लेनी है पहले कि 10 मिलीग्राम को हम क्या कहेंगे, ये हो गया 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम को कहेंगे 0.01 ग्राम, और 10 को 10 के साथ गुना कर दिया, हो गया 100। यह 100 मिलीग्राम है। 100 मिलीग्राम और उसके बाद फिर 1,000 मिलीग्राम, 1,000 मिलीग्राम का 1 ग्राम और 10,000 मिलीग्राम का 10 ग्राम होगा। तो हमें सबसे पहले जानकारी मिलीग्रामों की भी होनी जरूरी है कि 12 ग्राम 600 मिलीग्राम, 12 ग्राम 660 मिलीग्राम, इस प्रकार कोई भी वजन मापने के बाद ये माप तोलक हमें बताएगा कि कितने मिलीग्राम वजन है, और उसके अनुसार ही हम कोई भी वस्तु तोल सकेंगे, कोई भी सोने की वस्तु तोल सकेंगे, उसके बाद उसको बना सकेंगे। धन्यवाद।